नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबरों से पहली बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, इस बार बात होगी। और अगली खबर केंद्रीय कर्मचारियों को बंपर दिवाली गिफ्ट से जुड़ी हुई है, यानी दिवाली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। एक खबर थूक जहाज से जुड़ी हुई है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और अब सख्ती होगी, यानी अब हर हिसाब होगा। आखिरी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई, आपको बताएंगे। हिंसा में मारे गए शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो इन खबरों पर खबर दमदार में आज विस्तार से बात होगी। बाराबंकी से खबर, जहां पर इलाज की आड़ में धर्म परिवर्तन के खेल का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झाड़ फूंक और प्रार्थना सभा के जरिए कैंसर के इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। प्रार्थना सभा का वीडियो भी वायरल हुआ। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से धार्मिक पुस्तक भी बरामद की गई है। मामला कोठी थाना क्षेत्र का है, जहां पर नरोत्तमऊ घाट मचरे असौरी गांव में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, तो पुलिस को धार्मिक किताबें यहां से बरामद हुई हैं। केस दर्ज कर पुलिस ने 4 लोगों को वहां से पकड़ा है। इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप है। सहारनपुर से खबर है, जहां पर कस्बा नकुड़ में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि उससे मारपीट की गई और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। सादगी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर 2 लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक आशिफ ने आशीष बनकर पहले उससे दोस्ती की, बाद में आपत्तिजनक वीडियो बनाए। जब उससे लड़के की असलियत पता चली तो आशिफ उर्फ आशीष और उसके साथी के साथ मारपीट की। महीने से एक युवक के साथ जानकारी में थी, उनकी पहचान में थी, और युवक ने अपना जो है नाम दूसरे समुदाय का बताया और उनको धोखे में रखा और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो वायरल करने की धमकी भी उनके द्वारा दी गई है, ऐसा उन्होंने प्रार्थना पत्र में बताया। तो इस इनके प्रार्थना पत्र पर थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का इसमें आज मेडिकल कराया जा रहा है और उसमें आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से खबर है, जहां पर सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव केंद्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं, जौनपुर से खबर है, जहां पर सिकरारा थाना इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की पिटाई की। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 11 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। सिकरारा थाना इलाके के दुर्गापार गांव की घटना है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए यह अवगत कराया जा रहा है कि यह वीडियो 14 अक्टूबर 2024 का है, जिसमें थाना सिकरारा अंतर्गत ग्राम दुर्गापार का यह वीडियो है, जिसमें एक प्रार्थनी द्वारा तहरीर दी गई कि उसके घर में कुछ ग्रामीणों द्वारा घुसकर उसके भाई के साथ मारपीट की गई है, तथा उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल 14 अक्टूबर 2024 को ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरठ में दिनदहाड़े दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर चड्डा ग्रुप के कैशियर से लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। घटना कंकरखेड़ा के खिरवा फ्लाईओवर के पास की है, जहां कलेक्शन एजेंट का 3 लाख रुपए भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। एक व्यक्ति जिनका नाम अंकुर सोम बताया जा रहा है, वो एक कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं लिकर शॉप में। आज कलेक्शन करके वापस आ रहे थे। खिरवा पुल के पास 3 बदमाश जो कि एक बाइक पे सवार थे, उनके द्वारा इन्हें रोका गया है तथा इनके पास से करीब 5 लाख रुपए थे, वो इनसे तमंचा दिखाकर इसे छीना गया है। इस मामले में थाना कंकरखेड़ा पुलिस सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम लगाई गई है और इसमें सुसंगत धारों में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर ललितपुर से है, जहां पर एक नर्स ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। आनंद फानन में उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। पीड़िता ने सीएचसी के अधीक्षक पर
प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। नर्स ने अधीक्षक की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी मगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सिस्टर को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, सभी लोग मानसिक रूप। अच्छा, से आप लोग कितने स्टाफ नर्स हैं? हम लोग पूरे छह हैं। हम लोग छह लोगों को परेशान कर रहे हैं। सब पूरा सीएससी का कर्मचारी परेशान है, हर व्यक्ति यहाँ परेशान है। पूरा स्टाफ परेशान है, कभी किसी को लेटर दे रहे हैं, कभी किसी को कुछ कर रहे हैं। सर सर वही बात, अगर प्रेम से कहें तो सब स्टाफ मानेगा, और भी यहाँ अधिकारी आए प्रेम से कहते थे, सब हर व्यक्ति कर्मचारी काम करता था। जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों की खबर सामने आई है। वीआईपी की सुरक्षा में अब एनएसजी की जगह सीआरपीएफ तैनात की जाएगी। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मायावती समेत नौ नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। इनकी सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। मिल्कीपुर सीट के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हो सका था, जिसके बाद गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने का फैसला लिया था। आज हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले भी ली। अब उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही सीट पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। जी ने जो कागज लगाए, जो नोटरी कराई, वो बोकस थे। उसका लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। उस पर निर्णय भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि उस पर निर्णय नहीं हुए। मेरे बात पे मैंने अधिवक्ताओं को बताया, कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने बात गई तो स्टे तो नहीं मिला, पर मेरी बात को माना और सबको इशू नोटिस, उस पर मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव होता है, अवधेश प्रसाद जी सांसद बनते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो चीज वैसे शून्य हो गई, क्योंकि इस तरीके का ये देश का पहला मामला था। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण ने हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। बृजभूषण ने कहा कि जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा उसका सत्यानाश हो गया है, हनुमान जी की मुझ पर कृपा है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री बन रहे थे, 12 बजे पता चला कि हार गए। जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था सबका सत्यानाश हो गया, सब हो गया, हुड्डा का भी सत्यानाश हो गया। हुड्डा सुबह 10 बजे में मुख्यमंत्री बन रहे थे, अब 12 बजे पता था कि हार ही गए। हमने कहा वाह बजरंग बली, वाह हनुमान जी, सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी यही था। लड़कियों को इसी ने तैयार किया था, कहा था आ जाओ नेताजी के ऊपर आरोप लगा दो। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो गई। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उनका चयन हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो अगर लड़ सकती होती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ रही हैं? बहुत सारी सीटें यहां पर थी उनके लड़ने लायक, लड़ लेना चाहिए था, क्यों भाग गई वहां से? और मैंने जो वर्ड कहा है, मैं समझता हूं वो प्रियंका गांधी ने अपने सार्वजनिक भाषण में जो चीजें कही हैं वही मैंने कही हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत विषय नहीं कहा, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, भारत का नागरिक हूं, मुझे अधिकार है जानने का कि आखिर इन लोगों की मोहब्बत की दुकान दिल्ली में क्यों नहीं चलती है। और मैं जानता हूं ये रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी रैली से चुनाव जीत के गए हैं, लेकिन ये सत्य है कि राहुल गांधी परजीवी हैं। अपनी बदौलत राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद नहीं बन सकते थे, ये दूसरे की बदौलत उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और दिल्ली से नहीं लड़ सकते हैं, इस विषय पर मैंने जरूर बात रखी है। वहीं प्रियंका गांधी के खिलाफ मंत्री दिनेश सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी घर के आगे प्रदर्शन किया और घर पर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोत डाली।
हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जब उत्पीड़न दमन हुआ तो सबसे पहले अगर किसी नेता ने बोला लड़ाई लड़ी प्रियंका गांधी ने लड़ी। उत्तर प्रदेश में उभा में आदिवासी मारे गए, कोई नेता अगर लड़ा उस नेता का नाम प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ उत्पीड़न दमन हुआ, किसानों के ऊपर थार इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चढ़ा दी, कोई नेता लड़ा प्रियंका गांधी ने लड़ा। उत्तर प्रदेश में CANRC का आंदोलन हुआ, कोई नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आजमगढ़ बनारस तक कोई नेता सड़कों पर लड़ा तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है। उस नेता का अपमान उत्तर प्रदेश में अगर कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। चंडीगढ़ में कल NDA की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में NDA नेताओं को संबोधित करेंगे। 31 घटक दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। NDA के सभी CM डिप्टी CM बैठक में शिरकत करेंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद NDA की ये पहली बैठक है। चंडीगढ़ के होटल में दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी। बैठक में तमाम राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे, लिहाजा PM मोदी के दौरे के मद्देनजर तैयारियां तेज हो गई हैं। CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए सुरक्षा पुख्ता होगी, यानी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में PM मोदी की जनसभा होनी है, लिहाजा वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने फोर्स के साथ जनसभा स्थल का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान PM मोदी काशीवासियों को लगभग 1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, सुरक्षा को लेकर मल्टीपल लेवल की व्यवस्था की गई है। ATS के जवानों के साथ साथ SPG भी तैनात रहेगी, साथ ही 5000 पुलिस जवानों की तैनाती भी होगी। रूट के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी। पदाधिकारियों के साथ आज यहां पर भ्रमण किया गया है और इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने की प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को भी कोई तकलीफ ना हो और रैली में जो लोग आए उनको बहुत कम चलना पड़े और वो सभा स्थल तक पहुंच जाए। इसके अलावा एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर रहेगा। कई स्तर की सुरक्षा योजना हमारी है जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लेयर्स रहेंगी, उसमें हमारे ATS के जवान रहेंगे, SPG तैनात रहेगी। इसके अलावा करीब 5000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। युवक के शरीर में 25 से 30 छर्रे लगे हैं। बहराइच के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक छर्रे लगने की वजह से युवक का ज्यादा खून बह गया जिससे उसकी मौत हुई। साथ ही युवक के पैर के अंगूठों के नाखून भी गायब मिले हैं। हिंसा में मारे गए युवक के आंख के ऊपर एक चोट का निशान भी मिला है। छर्रों के लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उसके कारण मृत्यु हुई है। कितने छर्रे सर लगे हैं? 25 से 30 के करीब लगे होंगे। सर ये भी बताया जा रहा है कि बर्न है और अंगूठों के नाखूनों के साथ छेड़खानी की गई, किस तरीके से हुआ है? दोनों पैर के अंगूठों के नाखून का कुछ हिस्सा गायब है और वो किसी न किसी तरह की चोट से ही पैदा हुआ है, उस तरह का घाव तो वहां चोट लगी है। उत्तर प्रदेश के DGP ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। जिन जिलों में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश है। जुलूसों और मिली जुली आबादी वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। रोजाना फुट पेट्रोलिंग के भी आदेश हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास रोज चेकिंग के निर्देश मिले हैं। लखनऊ से खबर है, ED की छापेमारी हुई है। सहारा इंडिया परिवार के दफ्तर पर रेड। ED की बंगाल यूनिट ने भी छापेमारी की है। कपूरथला स्थित सहारा दफ्तर में छापेमारी हुई है। सहारा के 2 डायरेक्टर से पूछताछ की गई है, अन्य कई लोगों से भी बातचीत कर रही है। बीते कई घंटों से सहारा टावर में ED की रेड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की चिटफंड कंपनी में कथित घोटाले की जांच हो रही है। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराए गए थे 25,000 करोड़ रुपए। कोलकाता में है सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दफ्तर और इस सिलसिले में यहां पर ED की छापेमारी हो रही है।
उन्नाव से खबर है, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर गरजा, शुक्लागंज विकास प्राधिकरण से रक्षा पास कराए बिना भूमाफिया 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। प्राधिकरण से लेआउट भी स्वीकृति नहीं कराया गया था, लिहाजा जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। शहर के चौरा मोहल्ले का यह पूरा मामला है। बरेली से खबर, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध फैक्ट्री पर नगर निगम की टीम ने छापा मारा है। टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक की फैक्ट्री को पकड़ा है। रेड के दौरान प्लास्टिक से बने ग्लासों को जब्त किया गया। फैक्ट्री प्रबंधन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र में यह एक्शन हुआ है। रामपुर कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जयप्रदा को बरी किया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट से बरी होने पर जयप्रदा का बयान आया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कोई एविडेंस सही नहीं पाया, लिहाजा वो निर्दोष साबित हुई हैं। बता दें कि कोतवाली सुवार क्षेत्र में सड़क उद्घाटन को लेकर केस दर्ज हुआ था। 2019 में सुवार में जब मैं चुनाव लड़ रही थी, उस समय पे ऐसे जो एलिगेशन लगाया है कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन किया, तो उसमें मुझे एक फेक वीडियो रिलीज करके वायरल किया है, उसी के ऊपर मेरे ऊपर ये जो है केस चल रहा था। लेकिन सब कुछ अदालत ने देखने के बाद, इसमें ऐसे फेक वीडियो में कोई भी एविडेंसेस पाया नहीं, और मुझे ये साबित हुआ है कि मैं कोई दोषी नहीं हूँ और मैं निर्दोष हूँ। इसीलिए अदालत, माननीय अदालत को मैं सम्मान करती हूँ। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। सदर कोतवाली में अवधेश सिंह समेत 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लूट, जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने पर विधायक योगेश वर्मा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा, और मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। बता दें कि 9 अक्टूबर को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डेलीगेट के नामांकन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उसके गुर्गों पर बीजेपी विधायक से मारपीट करने का आरोप लगा था। इस बीच मारपीट का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह व्यापारी नेता राजू अग्रवाल को पीटते नजर आए हैं। हम लोग कल मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। FIR भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ, और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका ऋणी। संतुष्ट है आप इस कार्रवाई से? हाँ बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। मऊ में SP सांसद और डॉक्टर के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। SP सांसद राजीव राय जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे थे। आरोप के मुताबिक डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने SP सांसद से बदसलूकी की। सांसद से बदसलूकी का लाइव वीडियो सामने आया है। मरीजों की शिकायत पर सांसद जिला अस्पताल पहुंचे थे। लखनऊ में जूनियर डॉक्टर पिछले 36 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं। कोलकाता में हुई घटना को लेकर KGMU गेट नंबर 1 पर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। इन्होंने CPA यानी सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई भी सुन नहीं रहा है। We want justice. We want justice. We want justice.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। नाराज डॉक्टरों ने चिकित्सा सुविधाओं को ठप कर दिया है। डॉक्टरों ने बीते मंगलवार को ही हड़ताल का ऐलान किया था। सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर नाराज हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज और तीमारदार परेशान। तो सर सुंदरलाल अस्पताल का ये पूरा मामला, रेजिडेंट डॉक्टर वहां पर हड़ताल हैं, जिसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में खाने में यूरिन मिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका काफी लंबे समय तक खाने में यूरिन मिलाकर पूरे परिवार को खिलाती रही। ये आगे भी चलता रहता, लेकिन लिवर संक्रमण के शक में परिवार ने रसोई में सीसीटीवी लगाया, जिसमें मेड की सच्चाई उजागर हुई। घरेलू सहायिका इस परिवार के यहाँ पर पिछले 8 सालों से काम कर रही थी। वो लंबे समय से ऐसा घिनौना काम कर रही थी। कुछ महीनों से परिवार के लोग लिवर की बीमारी से पीड़ित थे। परिवार के लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कुछ समय पहले ही अपने घर में सीसीटीवी लगाई। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ज्ञानवापी से जुड़े 1991 केस की अगली सुनवाई अब 19 अक्टूबर को होगी। आज मंदिर पक्ष ने अतिरिक्त सर्वे पर अपनी बहस पूरी की है। अगली तारीख को मस्जिद पक्ष अपनी दलील रखेगा। मस्जिद पक्ष की दलील के बाद फैसला रिजर्व हो सकता है। ज्ञानवापी में निर्माण पूजा पाठ का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य ने साल 1991 में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में वाद मित्र विजय शंकर अस्तोगी ने ज्ञानवापी परिसर की SI से अतिरिक्त सर्वे कराने की अपील हुई है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस हुई। कई तारीखों पर बहस किया गया। उनके बहस का जवाब देने के लिए मैंने भी बहस किया और आज बहस मेरी कुछ बच गई थी, उसको बहस आज हमने करके और अपनी बहस समाप्त कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने पुनः हमारे बहस का जवाब के लिए 10 मिनट का समय मांगा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।